सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांच विषय हिंदी पाठ पांच व्याकरण। आज हम पाठ पांच व्याकरण में देखने वाले हैं सर्वनाम। पिछले बार में हमने देखा था संज्ञा का क्या मतलब। संज्ञा का मतलब है हर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम होता है, उसे ही कहते हैं संज्ञा। अब सर्वनाम का मतलब आज हम जानने वाले हैं। तो हमने सर्वनाम से पहले संज्ञा का मतलब क्यों जाना, क्योंकि सर्वनाम जो शब्द है वो संज्ञा से संबंधित है। तो सर्वनाम की व्याख्या हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। राहुल के पास कई सारे खिलौने हैं। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में मैंने राहुल राहुल दो बार दोहराया है। राहुल जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। अब उदाहरण देखिए, राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास कई सारे खिलौने हैं। उसके, अब मैंने राहुल इस संज्ञा का प्रयोग नहीं किया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके पास कई सारे खिलौने हैं, उसके जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम की व्याख्या क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से हैं, वह, यह, मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, आप, मैं, मेरे, हमारा, हम, तुम, तुमने, तुम्हारा, यह, वह, इसका, उसका, आप, यह सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद अब हम देखेंगे। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के छह भेद हैं। सर्वनाम के भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या क्या है, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, हमारा, तुम, तुमने, तुम्हारा, या वह, उसने, वे, आप, वह, वे, उसने या आप, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, हम, तुम, तुमने, तुम्हें, या फिर वह, उसने, वे, आप। उदाहरण, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कब आए, आप। मैं, मैंने, हम, तुम, तुमने, तुम्हें, वे, आप, उसने, ऐसे शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या क्या है, तो जो शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में बोध कराने वाला शब्द। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध कराने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, इन, वह, वे, उन, यह सड़क आगरा जाती है, वह कल आएंगे, ये किताब मेरी है, या फिर यह आम बहुत पीले हैं। यह, ये, इन, वह, वे, उन, यह जो शब्द है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराते हैं। हमने दूसरा प्रकार देखा। तीसरा प्रकार क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध नहीं कराता या न कराए, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ, किसी को, या फिर कोई किसी, कुछ, कोई आया था आपसे मिलने के लिए, कोई, या दूध में कुछ गिरा है,
कक्षा में से किसी को बुला लाओ। कोई किसी कुछ, यह शब्द जो है वो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध नहीं कराते, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्यक्ति या वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि कौन, किसका, कहाँ, कौन, किसका, कहाँ, यह शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज कौन आया था, हम कहाँ जा रहे हैं, यह किसका घर है, यह कौन सा स्वेटर है, किसका, कौन सा, कौन, कहाँ, यह जो शब्द है व्यक्ति या वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का अन्य किसी सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि जो जैसा वो वैसा, जो बोले सो निहाल, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी बनी, संबंध दर्शाने वाले शब्द। उसके बाद छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद से ही, आप से ही, ऐसे शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज मैं स्वयं खाना बना लूंगी, आज मैं खुद चलकर आ जाऊंगी, मैं अपने आप विद्यालय पहुंच जाऊंगी, ऐसे शब्द। तो आज हमने पाठ पांच में देखा है सर्वनाम का क्या मतलब है। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, आप, ऐसे शब्द जो है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास कई सारी किताबें हैं, उसके, यह शब्द सर्वनाम शब्द। बार बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, संज्ञा के स्थान पर जब जो शब्द प्रयोग किया जाता है, यह, वह, मैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, वह, वे, इन, ये जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के वे, सर्वनाम का पहला वे है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, मैंने, हमारा, तुम, तुम्हें, तुमने, आप, ये, इनका, उनका। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला, यह, ये, इन, वह, वे, उन, वे पेड़ अशोक के है, यह सड़क आगरा जाती है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध न कराने वाला शब्द अनिश्चय सर्वनाम, जैसे कि कौन सा, कुछ, कोई, किसका, जिसके दूध में कुछ गिर गया है, कक्षा से किसी को बुला लाओ। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, व्यक्ति या वस्तु के लिए, वस्तु को प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कहाँ, किसका, कौन सा, कौन, कल कौन आया था, या किसका स्वेटर है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध, जो जैसा वो वैसा, जैसा हो गए वैसा पाठोगे। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द, जैसे कि स्वयं, अपने आप, आपसे ही, यह सब निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने क्या क्या देखा, सर्वनाम का मतलब क्या है, सर्वनाम का मतलब क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कौन से उदाहरण है, वह, यह, मैं, हम, मेरा,
काम लेकर आओ, वे नहीं आए, आप क्या करने वाले हो, ऐसे सारे शब्द उदाहरण के तौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले शब्द निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, ये, वह, वे, उन, यह सड़क आना जाती है, ये उनकी किताब है, वह आज आने वाले है, निश्चय पता होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अनिश्चयवाचक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी न देने वाला शब्द, जैसे कि कौन सा, कुछ, कोई, ऐसे शब्द। दूध में कुछ गिर गया है, किसी को बुला कर ला, इस तरह से, तो कक्षा से किसी को बुला कर ला, या कल कोई नहीं आया था, मतलब किसी के बारे में पता नहीं, कोई, तो ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब व्यक्ति तथा वस्तु को प्रश्न पूछने के लिए, संबंधित प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कहाँ, कौन, किसका, कौन से, कब, कौन आया था, हम कहाँ जा रहे हैं, या किसका स्वेटर है, या कौन सा किताब है, या कौन सा क्या, कौन सा बैग है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते। संबंधवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने वाला शब्द, जैसे जो जैसा वो वैसा, जैसा खोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी करनी, जो बोले सो निहार, ऐसे शब्द संबंधवाचक। और निजी वाचक में जो शब्द खुद के लिए अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं निजी वाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपको क्या करना है, सर्वनाम की व्याख्या लिखनी है, सर्वनाम के उदाहरण के अलग अलग उदाहरण आपको लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं सर्वनाम वाले। जैसे मैंने कहा कि राहुल को अच्छा लगता है, उसके पास कई सारे खिलौने, इसे आप अलग अलग उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद सर्वनाम के भेद है छ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अलग अलग सर्वनाम के अलग अलग उदाहरण आप लिख सकते हो, तो आपको सर्वनाम मैप अच्छे से पता चल गया होगा। तो आपको क्या करना है, सर्वनाम के उदाहरण लिखने हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग उदाहरण भी आपको लिखने हैं और पढ़ने हैं। तो आपको आज का यह पाठ सर्वनाम अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।